नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूरोप चैनल फीएसटी ए क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीटीएससी आयोग की तरफ से बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीएससी एएनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे हैं और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर हो, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। आज के पेपर भी आप लोग देखे हैं जो सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, और आज हम लोग को मीटिंग भी थी और मीटिंग संपन्न हो चुकी है। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज वीडियो में डिटेल्स में बताने वाले। 12 बजे लाइव आए थे, उसमें हम आपको बताए थे 5:30 बजे के आसपास एक वीडियो आएगी और उसमें हम आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं जो आज के मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, आगे हम लोग क्या करने वाले हैं और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जा रही है तो कब तक SLP फाइल हो जाएगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आज के पेपर में आप देखें जो सरकार स्पष्ट रूप से लिख दी है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है और मंडे से लेकर ट्यूजडे तक SLP फाइल हो जाएगा। दूसरी बात है, जो आज हम लोग को जो मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग में निर्णय जो लिया गया है सभी NMR को सहमति मिल चुकी है, सभी NMR की सहमति मिल चुकी है और हम लोग भी SLP फाइल करने जा रहे हैं। और आप लोग को मन में एक डाउट होगा, सर जब अगर सरकार नहीं जाते हैं तो क्या आप लोग जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही जाके वहाँ पे रहेंगे। जो सरकार अगर SLP फाइल करती है तो डायरेक्ट हम लोग की एंट्री हो जाएगा, एंट्री लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार नहीं माने हैं स्पष्ट रूप से। और पेपर में क्यों दिए, क्योंकि आप लोग के मन में एक भी सवाल होगा, सर हाईकोर्ट में जब LPA फाइल किए थे सरकार पेपर में नहीं दिए थे, पेपर में इसलिए सरकार दिए हैं क्योंकि जो क्वालिफाइड स्टूडेंट के द्वारा जो है पटना में हंगामा किया गया था, धरना प्रदर्शन किया गया था, उसी को लेके बता दिए आप लोग शांत रहिए, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप लोग के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, इसलिए वह पेपर में दिए। स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, जो पेपर में इसलिए दिए जी आप लोग शांत रहिए, आप लोग को जो है ना कुछ नहीं करना है, आपके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। फिर भी उन लोग साथ बैठने वाले नहीं है, फंडिंग कर रहे हैं, जो भी उन लोग को करना है करने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से सरकार बोल दिया आप लोग शांत होकर बैठ जाइए, आपके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो इसीलिए आज हम लोग का भी आज मीटिंग था और मीटिंग देखिए कितना जो है शालीनता के साथ हम लोग मीटिंग हुआ, कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ, कहीं कोई सोशल मीडिया पर देख लीजिए आप नहीं उन लोगों के द्वारा जो है जो उन लोग जो हम लोग को पिक दिखाते थे, कमेंट पढ़ते थे, ये देखिए ये क्या है ये क्या, और हम लोग को देखिए हम लोग भी मीटिंग हुआ, तो हम लोग का मीटिंग से इन लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। जो देखिए हम लोग भी मीटिंग की और आप लोग भी मीटिंग किए थे, दोनों में कितना अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हम लोग दिखाते नहीं है, दिखावा के लिए हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग काम करके दिखाते हैं, इसीलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं होना है। और आज मीटिंग समाप्त हो चुकी है और मीटिंग में देखे भी हम आपको दिखाए भी, लगभग हम आपको 2:30 बजे के आसपास एक वीडियो हम आपको दिए थे छोटा सा जो हम मीटिंग में आपको दिखाए और 12 बजे लाइव में ही आपको जोड़ लिए थे जो कि आप लोग देखे भी थे। तो इसलिए हर एक चीज़ हम आपको दे दिए, हर एक जानकारी दे दी है और सरकार इसलिए जा रही है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सरकार चाह रही है जो इलेक्शन फैल जो है इस वैकेंसी को रोक के रखना, इसीलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने दीजिए, हम लोग पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ से भी सरकार को जो है मुँह के खानी पड़ेगी और वहाँ भी सरकार जो है हारेगी, क्योंकि हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है और कोई भी स्टूडेंट्स हमको दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम आपको बोल दिए हैं जो इसमें स्टूडेंट को कोई रोल नहीं है, ठीक है, और हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से हम लोग नियमावली की लड़ाई लड़ रहे हैं। सिंगल मैच डबल मैच में हम लोग जीते, फिर भी देखिए आप सरकार नहीं माने और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सरकार को जाने दीजिए, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। और आज इसलिए मीटिंग रखे ताकि सभी NM बहन जान लें जो हमारी टीम आप लोग के लिए क्या कर रही है, और सभी की सहमति आज मिल चुकी है, शाम तक जो है देर नाइट तक आप सुरजी सर का मैसेज आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, उनका गाइडलाइन आ जाएगा जो आगे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को करना। ये वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था जो हम स्पष्ट रूप से हम आपको बता रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है,
क्योंकि आज से 2 से 3 दिन पहले ही आपको बता दिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और आज पेपर के माध्यम से भी आप लोग क्लियर हो गए जो पप्पू सर के द्वारा जो भी न्यूज़ दिया जाता है सही और ऑथेंटिक 100% दिया जाता है, और आप लोग आज देख ही भी लिए। तो फिर हम लोग नाइट में 10 PM में मिलते हैं, सभी स्टूडेंट लाइव आना नहीं बोलेंगे, और डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे हम लोग को क्या करना है। ये छोटा सा वीडियो इसलिए दिए जो आप लोग कह रहे थे सर अभी तक आपका वीडियो नहीं आया, लेट वीडियो है, लगभग 6:30 बजे तक अपलोड हम कर देंगे, तो इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, परेशान नहीं होना है, आइए 10 बजे लाइव, तो डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जैसे ही 10 बजे लाइव आएंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। थैंक यू।